उत्तराखंड में निवेश को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे। सीएम धामी के दुबई पहुंचने पर प्रवासी उत्तराखंडियों ने जोरदार स्वागत किया। इस बार मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी गए हैं। सीएम दुबई के बाद आबू धाबी भी जाएंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम भारतीय उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिकी घरानों के में उत्तराखंड से निवेश पर चर्चा करेंगे। दोनों जगहों से उत्तराखंड सरकार को लगभग 8,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए करार होने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुबई पहुंचने पर भव्य स्वागत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड निवेश का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश से रोजगार के अधिकाधिक मौके बनेंगे। इससे उत्तराखंड के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने 800 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर समिट प्रस्तावित की। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहाँ पर पधारे हैं, ये इस बात का प्रमाण है। और जिस प्रकार से मंच पर और जब हम लोग आज यहाँ पहुंचे हैं, दिन में जैसे ही हम यहाँ पहुंचे, आज हवाई अड्डे पर, उसके बाद होटल में, उसके बाद यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं यहाँ दुबई में हूँ। सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उत्तराखंड में ही हूँ। इस प्रकार से आप लोगों ने, सब लोगों ने हमारे यहाँ पर अपनी संस्कृति से आप सब जुड़े, आप सब लोगों ने जिस प्रकार हमारी माताओं ने, बहनों ने, सभी बहनों ने यहाँ पर अपने कल्चर का आज भी जिस प्रकार आप जुड़े हुए हैं, वो हम सबको एक गौरव की अनुभूति कराता है। और आप सबकी इतनी बड़ी उपस्थिति जिसमें उत्तराखंड समेत भारतवर्ष के अनेकों राज्यों के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो सपना शीघ्र ही साकार होने वाला है।